वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मौके पर भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि आज देश के युवाओं की जरूरत है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के आदर्शों पर चलने की, उनके पुरुषार्थ को अपनाने की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर सिग्रीवाल ने जमकर हमला बोला, कहा नीतीश कुमार के बातों का अब कोई भरोसा नहीं है, अब गांव-गांव के लोग उनकी बातों का भरोसा नहीं करते हैं, उनको पलटू चाचा बोलते हैं, कब वो अपनी बातों से पलट जाएं इसका भरोसा नहीं। नीतीश जी को आज गांव के गली गलियारे तक लोग पलटू चाचा, पलटू राम, पलटू भाई कहने लगे हैं, तो कब कहां कब पलटेंगे, कब क्या कह रहे हैं, कब क्या कह देंगे। अभी इस बात से अब हमें लगता है कि किसी को विश्वास नहीं रह गया, वो कुछ कब कह सकते हैं और उनके लिए कुछ माफ है, लेकिन जनता नहीं माफ करने वाली है, उनको याद रखना चाहिए। मुआवजा भी अब नीतीश कुमार देने की देना ही पड़ेगा, वह तो बीजेपी ने पहले ही कहा था, हमारे नेता उन्हें पहले ही कहा था कि जिस तरीका से जहरीली शराब और शराब नीति आपकी पूरी की पूरी फेल है, वह धरती पर कहीं दिख नहीं रही है, तो वैसे ही उससे जहरीली शराब पीने वाले उन परिजनों को आपको मुआवजा देना पड़ेगा, जैसे घटना दुर्घटना में जैसे मुआवजा देते तो वैसे देना पड़ेगा, और आज उन्हें देना पड़ा। कल तक ये कहते थे कि जो पिएगा सो मरेगा। अरे नीतीश कुमार जी, अरे मुख्यमंत्री जी, आपने शराब बंदी किया है और बिहार में शराब अगर मिल रही है तो आपको शर्म नहीं आती है? आपको चुल्लू भर पानी में स्वयं डूब करके मर जाना चाहिए कि आप शराब बंदी भी किया और आप शराब भी मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। यह बात हमें लगता है कि कहीं भी तारतम्य नहीं बैठाता, कभी तुक नहीं आता। हम किसी को कहें कि बंद हो गया और हम उसको आकर के हमारे सामने खड़ा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि हम फेल हैं या फिर हमारी नीति फेल है या फिर हम उतना सोच नहीं रहे, यही बात हो सकता है ना? और यह बात तो स्वयं उनके सामने है। इसलिए जो मरा है उनको अगर लेट सही सही अगर नीतीश कुमार जी मुआवजा देने दे रहे हैं और देने की घोषणा उन्होंने किया है, तो कम से कम पलटू और पलट करके भी अभी इस सही राह पर यहाँ आकर इस क्षेत्र में खास करके शराब से मरने वाले लोगों के लिए वह खड़ा है। वही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सिग्रीवाल ने कहा, बिहार में भाजपा को 40 में से 40 सीटें मिलेंगी, वही पूरे देश में आंकड़ा 400 से पार होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।